मैं हमेशा एमक्यूएम को कहलाता हूँ। 2005 में जनरल मुशर्रफ की हुकूमत थी, जनरल मुशर्रफ इसके इलेक्ट्रिक को बेचना चाह रहे थे, लेकिन हम ने मजम्मत की और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जिला वतनी की जिंदगी गुजार रही थी। वहां उस वक्त मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने कहा कि के इलेक्ट्रिक मुफात आमा का इदारा है, इसको फरोख न किया जाए। अगर आप इसको फरोख करोगे तो के इलेक्ट्रिक कराची के शेरियों के लिए भी वबाले जान होगी और मेहनत कशों के साथ भी जुल्म होगा। लेकिन हम रैलियां निकाल रहे थे, हम सेमिनार कर रहे थे, हम एहतजाज कर रहे थे। इस चेयर के दावेदार, इस कराची के दावेदार जो आज टुकड़ों में तकसीम है, कल लसानियत की सियासत कर रहे थे, इलेक्ट्रिक को बिकने में उन्होंने बराबर शरीक है, हमारे साथ ज्यादती करके इल्जाम देता हूं कि इन्होंने के इलेक्ट्रिक फरोख करने में जिस तरीके से रोल अदा किया, आज के इलेक्ट्रिक के मैं कहता हूं 4,500 लोगों को नौकरियों से निकाल दिया गया। के इलेक्ट्रिक पूरे कराची शहर जो रोशनियों का शहर कहलाया जाता था, आज पूरे कराची शहर को अंधेरों में धकेल दिया। इसी क्यामानी में, इसी सिकंदराबाद में, इसी लियारी में आप जा भी जाओ, गरीब लेते हैं और उनका बिल आप देख लो हजारों की तादाद में, कहीं 15 दो कमरों का मकान, 3 कमरों का मकान 20,000-25,000। अगर गलत बिल आ जाता है आप सही कराने जाओ, सही नहीं करके देते। के इलेक्ट्रिक इस वक्त माफिया बनी हुई है, इंशाल्लाह तआला हम के इलेक्ट्रिक के खिलाफ मिलकर जुद्दोजहद करेंगे। स्टेट के वर्कर, डिस्ट्रिक्ट के मालिक, मजदूर कान खोलकर सुन ले, इंशाल्लाह ये बात जहन में बिठा लो। मैंने पहले भी नहीं बिठे, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रद्दा वर्कर ज्यादा था आपके सामने, लोगों से भी नहीं बिठा, दिल्ली से भी नहीं बिठा, अपने भी नहीं बिठा, इंशाल्लाह आप लोगों ने वर्कर में ज्यादा वजना तब भी मैंने फाइट किया, जब जेल किए इसके गवाह मेरे मजदूर, मेरे इलाके, मेरे डिस्ट्रिक्ट के हमारी का बच्चा बच्चा बुरा बच्चा हर बंदा गवाही देगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जिस तरह समू साहब ने कहा, हुसैन बादशाह साहब ने कहा, ए हमारे अभी साहब अल्लाह उनको जिंदगी दे, अल्लाह उसको सेहत दे, मजदूर रहनुमाए, मजदूर के लिए एक नरम घोषा रख दे, तो इंशाल्लाह जो टीम बनाई है हमारी कराची डिवीजन की और उन्होंने मिलके मशावरत से, तो इंशाल्लाह ऐसी टीम बनाई है कि केमारी में इंशाल्लाह कोई मजदूर इंशाल्लाह परेशान नहीं होगा, खुशहाल होगा। और सबसे पहले मैं अपने कराची के सदर और जनरल सेक्रेटरी से एक दरख्वास्त करूंगा कि मुझे फुल अख्तियार दे, सबसे पहले उन कंपनियों के खिलाफ जो प्राइवेट कंपनियां हैं और कोर्ट पे वो 15,000 या 18,000 या 20,000 सैलरी दे रही है, क्योंकि अभी हुसैन बादशाह साहब ने कहा कि तनख्वाह हो गई है गवर्नमेंट की सिम की मिनिमम वेजेस के मुताबिक 28,500 समथिंग है, तो 38,000 समथिंग है, तो इसमें ये मेरी मदद करेंगे इंशाल्लाह। और आप लोग अच्छी है इस्लामाबाद के एवानों में इनकी सुनाई हुई थी इंशाल्लाह, इस्लामाबाद के एवानों तक जाएंगे लेकिन पीपल लेबर बैरो इनको नहीं छोड़ेगी इंशाल्लाह। जो भी मजदूर के जायज मसाइल हो, जैसे मेरे एक भाई ने जज्बात में कहा नाजायज मसले हो, तो नाजायज मसले मजदूर के नहीं होते, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मजदूर अपना हक और सच के लिए लड़ते हैं, अपने हकूक के लिए लड़ते हैं इंशाल्लाह। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, सबसे पहले आप सब मजदूरों का, इलाके के लोगों का और अपने जो नए कैबिनेट सबको अपने दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ।